कॉन्फेडरेशन ऑफ एससीएसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एससीएसटी ओबीसी स्टूडेंट यूथ फ्रंट की ये प्रेस माध्यम कॉन्फ्रेंस थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जितने भी ये वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं, उन्हें स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया है। गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को हम ये अप्राइज कराना चाहते हैं आज की प्रेस के माध्यम से कि ये डिसीजन बड़ा हेस्टी है, कोविड-19 में बहुत गलत डिसीजन है, इस फैसले को रिव्यू किया जाए, उन्हें डिसबर्समेंट की जाए स्कॉलरशिप की, नहीं तो संघर्ष बाद होगा। आगे ही स्कॉलरशिप के लिए हमारे नौजवान बच्चे जो है NSYF के वो मैदानों में है, ये गलत बात है, उनका पढ़ने का टाइम है। जानबूझकर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी प्रोग्राम अडॉप्ट करती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी स्टूडेंट कम्युनिटी है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों की बात जो है बिरगर तक पहुंचाई है। मैं आपके माध्यम से LG सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया करके जिन बच्चों के फॉर्म बिना वैलिड रीजन दिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनके जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप दी जाए ताकि बच्चे आगे एडमिशन करवा सके। ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल SC/ST ओबीसी स्टूडेंट यूथ फ्रंट की जे प्रेस माध्यम है। डायरेक्टोरेट सोशल वेलफेयर ने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बच्चों का जो रिजर्व स्कॉलरशिप था वो रिजेक्ट कर दिया है और ये एक बहुत भयानक फैसला है सरकार का। हम चीफ सेक्रेटरी LG साहब को ये आज बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के कोविड-19 में फैसले गलत हैं, अपने फैसलों को रिव्यू किया जाए, जो शॉर्ट कमिंग है स्कॉलरशिप फॉर्मों में वो बच्चों से ली जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट किया जाए, नहीं तो संघर्षवाद होगा इसके ऊपर। थैंक यू।